To restart the program, you have to realize that there will be no return. जामिया कराची का शुमार दुनिया की 500 बड़ी जामियात में होता है, जहां मुल्क भर से आए हुए तश्नगान इल्म की प्यास बुझाते हैं। 1200 एकड़ एराजी पर मुहित ये जामिया सन 1951 में पार्लियामेंट बिल के जरिए वफाकी यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम की गई। बाद 1962 में इसे सिंध की सरकारी जामिया का दर्जा दे दिया गया। इस वक्त जामिया कराची का शुमार मुल्क की दूसरी बड़ी जामिया में होता है। इसमें 5 फैकल्टीज मौजूद हैं, जिनसे शहर के तकरीबन 100 से ज़ायद कॉलेजों का इल्हाक है। जामिया में 52 शोबाजात कायम हैं, जिनमें साइंस के 24, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2-2, आर्ट्स के 21, फार्मेसी के 4 और इस्लामिक स्टडीज़ के 3 शोबाजात शामिल हैं। इसके अलावा 17 से ज़ायद तहकीकी इदारे और मुतालियाती मराकज़ कायम हैं, जो शब व रोज़ तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल हैं। जामे कराची में इस वक्त कुल 21 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें डॉक्टर फिरोज अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को मरकजी हैसियत हासिल है। सन 2000 में एक अजीम मुखयर शख्सियत बेगम नादरा फिरोज अहमद ने अपने शोहर डॉक्टर फिरोज अहमद की वसीयत के मुताबिक इंस्टीट्यूट के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया, जिसके बाद इंस्टीट्यूट को डॉक्टर फिरोज अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम से मौसूम कर दिया गया। नए डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग मेरी इस प्रोफेशनल लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन मरहला था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ज़ाहिर है हम एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट को, एक मुकम्मल डिपार्टमेंट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें, जब हम किसी घर का एक कमरा भी शिफ्ट करते हैं तो बहुत से मसाइल से दो चार होते हैं। न सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसके लैब्स भी हों, जिसमें इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हों, जिसकी लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी हो, उसे यहाँ शिफ्ट करके लाना और फिर वसाइल भी ना हो, पैसे की कमी, वसाइल की कमी, उसके बावजूद मैंने उसे अल्लाह के सहारे बहुत से मराहल से गुजार के उस पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ शिफ्ट कराया। और जब हम इस डिपार्टमेंट में आए थे, शिफ्ट हुए थे, तो ये मरहला ऐसा था कि डिपार्टमेंट बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ एक जंगल का समा था। सबसे पहला मरहला तो यही, उस जंगल को मुझे साफ़ कराना पड़ा कि यहाँ से सफाई करानी पड़ी। यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, यहाँ बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, और डिपार्टमेंट में कलर भी नहीं हुआ था। ये सारे काम मैंने इम्तहानात शुरू करा के मई 2008 में पुराने डिपार्टमेंट में इम्तहानात शुरू कराए, और उस दौरान मैंने शिफ्टिंग के मरहले को सर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। 2 महीने की मुसलसल जद्दोजहद के बाद हम तकरीबन 30 ट्रक भर के यहाँ सामान लेकर आए। शिफ्ट करना मसला नहीं था, नए सिरे से उस सारे सामान को अपनी अपनी जगहों पर प्लेस करना, टीचर्स के कमरे बनाना, लैब्स मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा काम था। और एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की अपने साथियों के साथ मिलकर, और उनका ताउन भी मेरे साथ रहा, कि हमने एक पूरा प्रैक्टिकल जोन बनाया यहाँ। उसमें टीवी लैब, रेडियो स्टेशन, टीवी लैब, कंप्यूटर लैब, एडवर्टाइजिंग लैब, ऑडियो विजुअल लैब, और उसका बाकायदा वाइस चांसलर से इफ्तिताह भी कराया। सन 2008 में शोबे इब्लाग आमा की बनाई गई इस नई इमारत में कुल 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक ए में चेयरमैन ऑफिस, सेक्रेटरीट और कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा असातजा के कमरे शामिल हैं। ब्लॉक बी 7 क्लासेस पर मुश्तमिल है, जिनमें तकरीबन 600 तालिबे इल्म के बैठने की गुंजाइश है। ब्लॉक सी में प्रैक्टिकल जोन है, जिसमें एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन लैब, न्यूज लैब, ऑडियो विजुअल लैब और कंप्यूटर लैब है। इन लैब्स में तालबे इल्म जदीद ज़रूरियात के मुताबिक कंप्यूटर्स के ज़रिए तरबियत हासिल करते हैं और इसी के साथ प्रोजेक्ट्स की तैयारी और काम भी करते हैं। इस ब्लॉक में सबसे अहम FM रेडियो है, जो कैंपस रेडियो FM 90.6 के नाम से मंसूब है, जहां तलबा और तालिबात रेडियो न्यूज़ और प्रोग्राम प्रोडक्शन की तरबियत हासिल करते हैं। इस रेडियो स्टेशन की नशरियात सुबह और शाम की शिफ्टों में रोज़ाना होती है, जिसमें तलबा और तालिबात के तैयार किए हुए न्यूज़ बुलेटिन और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और दस्तावेजी फिल्म के मुसव्वदे नशर किए जाते हैं।
कैंपस रेडियो एफएम 90.6 की पहली सालगिरह 17 मार्च सन 2009 में मनाई गई। इस मौके पर शेखुल जामिया डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी ने सुबह की नशरियात का बाकायदा आगाज किया। ब्लॉक डी में असाजा के कमरे और एमएस और पीएचडी के तलबा तालिबात के लिए क्लासरूम्स मौजूद हैं। इसके अलावा उनके लिए एक रिसर्च लाइब्रेरी भी कायम की गई है। गुज़िश्ता साल से शोबा इब्लागे आमा के तहत असाजा और तलबा तालिबात की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत एक सहमाही शुमारा मीडिया पोस्ट के नाम से शाया किया जा रहा है, जो शोबे के तलबा तालिबात की माहिराना सलाहियतों को उभारने में बेहतर मुआविन साबित हो रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त शोबे इब्लागे आमा में 14 असाजा कराम अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 5 पीएचडीज, 3 लेक्चरर्स, 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 2 प्रोफेसर्स जबकि 1 एसोसिएट और 1 एडजंक्ट प्रोफेसर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज हैं और जो वर्कशॉप होते हैं, जो सेमिनार्स हैं, जो फैकल्टी है, उसके बारे में बिल्कुल ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्सेज की। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो हर सेमेस्टर में ही तकरीबन हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं। कुछ चीज़ें तो हमारी फैकल्टी के हाथ में, हम लोगों के हाथ में खुद होती हैं, जो हम कोर्स पढ़ाते हैं और जहां हमको लगता है कि इसमें ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की, वहां खुद से मॉडिफाई कर लेते हैं उसको, और जहां हमको लगता है कि इसके लिए हमको जो है वो एकेडमिक काउंसिल में जाना पड़ेगा, तो वहां हम मीटिंग करके उस कोर्स को जो है उसके बारे में अपने सजेशंस वगैरह जो है वो उसको लिख लेते हैं मीटिंग के अंदर, और वो हमारे पर बाद में अप्रूव हो जाता है। तो फिलहाल जो पहला पॉइंट है वो यही कोर्सेज के हवाले से, जो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न है कि हम कोर्सेज को अपडेट कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने इस वक्त हैं मार्केट में, उनको उनसे नम्रदमा होने के लिए और उनसे जो है वो अपने स्टूडेंट को उनसे बाखबर रखने के लिए कोर्सेज को हम नए सिरे से, यानी जो जो तकाजे हैं, असली तकाजे, उनके मुताबिक उनको ढाल रहे हैं। नंबर दो, हम वर्कशॉप के और सेमिनार्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हमारे डिपार्टमेंट में मुस्तकिल होते रहते हैं और हर सेमेस्टर में ही तकरीबन 2-3 सेमिनार्स और वर्कशॉप जो हैं वो अरेंज कर लिए जाते हैं। इस सेमेस्टर में हमने ये तय किया है कि हम वर्कशॉप्स की जो तादाद है वो बढ़ाएंगे और हम अपने एकेडमिक जो कैलेंडर हम बना रहे हैं इस साल, इस सेमेस्टर के लिए, उस पर हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, वो है वर्कशॉप और सेमिनार्स का इशू। सेमिनार्स हमारे पास हर सेमेस्टर में एक तो ज़रूरी होता है, इसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा सेमिनार्स रखें ताकि हमारे स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा एक्सपोजर मिले और बाहर से भी लोग हमारे पास आएँ, स्पीकर्स आएँ, और हमको जो है वो बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। फिर वर्कशॉप हैं, वर्कशॉप्स हमारे पास होते ही रहते हैं, लेकिन इस ख़ास करके जो नया आने वाला सेमेस्टर है इसके लिए हमने पहले से प्लान किया है कि हम एक बाकायदा एकेडमिक कैलेंडर डेवलप कर लेंगे इसके लिए, और जहाँ जहाँ पर हमको ज़रूरत है वर्कशॉप्स की, वो हम वहाँ पर उनसे अपनी जो लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं और जो माहरीन हैं उनसे हम पहले से ही उनको इंगेज करेंगे अपने साथ, और बाकायदा वर्कशॉप की डेट अनाउंस करके अपने स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप का इंतज़ाम भी कर लेंगे, जिसमें टीवी प्रोडक्शन के बारे में वर्कशॉप हो जाएंगे, कैमरा टेक्निक्स के बारे में वर्कशॉप हो सकते हैं, बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है एनिमेशन के हवाले से, उस पर हम वर्कशॉप रखेंगे। इस तरह से कुछ वर्कशॉप हमारे प्रिंट के साथ भी हो जाएँ, प्रिंट मीडियम के साथ जो लोग काम कर रहे हैं प्रिंट मीडियम में, उनके साथ भी वर्कशॉप हम रखेंगे। जो काम हमारा हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग के साइड पे, उनके वर्कशॉप भी होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये जो सेमेस्टर हमारा होगा वो बहुत ही भरपूर होगा और हर लिहाज से इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। इंस्टीट्यूट में मौजूद हसन रियाज मेमोरियल लाइब्रेरी इस वक्त जामे की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें तकरीबन 3,000 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं। लाइब्रेरी में रोज़ाना 16 मुख्तलिफ अखबारात और तकरीबन 10 से 12 रिसाले आते हैं। लाइब्रेरी में मौजूद 70% कुतुब इब्लागे आमा जबकि 30% कुतुब दूसरे उलूम पर मुश्तमिल हैं। शोबे इब्लागे आमा में नजरी तालीम और अमली तरबियत के साथ साथ इब्लागियात के मुख्तलिफ शोबों में आला तहकीक का सिलसिला भी जारी है और हर साल मास्टर्स की सतह पर अहम मौजूआत पर साजा की ज़ेर निगरानी तहकीकी मकाले तहरीर किए जाते हैं, जबकि मुतअद्दिद तलबा व तालिबात एमएस और पीएचडी की सनद हासिल कर चुके हैं। इब्लागी निज़ाम के मयार को बुलंद करने के लिए शोबा इब्लागे आमा ने जहां मतलूबा मयार के हुसूल की कोशिश की, वहीं मुआशरे में शऊर बेदार करने के लिए और इज्तिमाई सोच को परवान चढ़ाने के लिए मुतअद्दिद बार सेमिनार्स और खुसूसी इज्तिमाआत भी मुनाक़िद करवाए हैं। इनके अलावा वर्कशॉप्स और तौसील लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी रहता है,
ताकि मुख्तलिफ माहिरीन के साथ राब्ता भी रहे और इनके तजुर्बात से तलबा और तालिबात इस्तेफादा भी हासिल कर सकें। शोएब लागेआमा की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिम है। मैंने जब चाहा कि मैं इस सहाफत के मैदान में आऊँ तो मैंने ये सोचा कि शोएब लागेआमा को ही लिया जाए, इसलिए यहाँ मैंने देखे कि यहाँ के लोग जो सहाफत की फील्ड के अंदर मीडिया के अंदर मौजूद हैं इंतहाई अहम काम अंजाम दे रहे हैं और इंतहाई अहम पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूँ तो यहाँ सब टीचर्स कोऑपरेटिव हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं तलबा के लिए, जहाँ हम लोग वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इब्लाग-ए-आमा की बड़ी कामयाबी का सबूत ये है कि इस वक्त शोबे से फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद कौमी अखबारात, सरकारी और निजी बरक़ियाती ज़राए इब्लाग, इश्तिहारियात, ताल्लुकात आमा, वफाकी और सूबाई महकमा हाई इत्तलात, बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग और सिविल सर्विसेज में नुमाया हैसियत से वाबस्ता हैं। ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वी वर एक्चुअली हियर इन 2009। आई एंटर्ड दिस डिपार्टमेंट आफ्टर माय इंटर and I was extremely happy. The basic thing that actually made me happy here was that the crowd over here, it's very welcoming. We actually were given a very warm welcome, as in ke bahut sari universities mein hota hai ki the phobia hota hai ki aap university mein jayenge to bahut sare log jo hai wo aapko uncomfortable feel karayenge, but I am extremely happy that I entered this department with seniors who were tremendous with us. Unhone bahut acche tarike se hame guide kiya. In fact, this is Karachi University and we know मास लेवल पे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे रैग्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट दिस प्लेस इज द ओनली एंड द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वेयर स्टूडेंट्स वर नॉट एट ऑल रैग्ड। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सीनियर्स ऑन दैट पार्ट। अदर देन दैट द टीचर्स ओवर हियर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू से माई फर्स्ट सेमेस्टर दैट वॉज द इस्लामियात एंड द उर्दू वन, सर मजहर, इट वॉज अ वेरी नाइस टीचर। बिसाइड्स वी एक्चुअली गेट द क्रीम टीचर्स, आई वुड लाइक टू मैंशन दैट टू। बिसाइड्स आई वुड से दैट दिस डिपार्टमेंट नाउ एज इन के आई वुड से दिस इज एन ईयर और सो हैज़ पास्ड एंड आई एम एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल इन टू द एनवायरमेंट हियर। इट्स लाइक अ होम वेर आई कैन एक्चुअली शेयर माई आइडियाज़ विद माई पीपल, आई कैन फ्लरिश आउट माई क्रिएटिविटी विद द बेस्ट ऑफ ऑल। सो आई वुड लाइक टू थैंक द entire mass over here, you know, who actually helped me to polish my talent into this place. I would say a lot of thanks to this department of mass communication. असाध्या की अंतक मेहनत और मजमूई तौर पर शोबे के लिए की जाने वाली कोशिशों से आने वाला कल शोबे के तलबा और तालिबात के लिए तरक्कियों और कामयाबियों की नई नवीद लेकर आएगा।